ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात। उन्हें जब सिल्वर स्क्रीन पर दर्शकों ने पहली बार देखा तो किसी ने बार्बी डॉल कहा तो किसी ने हसीन गुड़िया। वो 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा में आईं और जवान दिलों की धड़कन बन गईं। गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। उनका चेहरा बेहद खूबसूरत था और मासूमियत उनके अंग अंग से छलकती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी जिंदगी में एक बार कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने लंबे समय तक खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और पूरी दुनिया से अलग थलग जिंदगी जीने लगी। बदला ही तो लेना है, मुझसे भी ले लो। तुम्हारी दुश्मनी तो पूरी औरत जात से है। ये क्यों सोचते हो लड़की कौन है, किसकी बहन है, किसकी बेटी है? क्या आपको पता है कि ये अभिनेत्री एक रूढ़िवादी पुराने ख्यालात वाले परिवार से ताल्लुक रखती थी और इसीलिए इन्होंने अपने फिल्मी करियर में ना ही कभी बिकनी या स्विम सूट पहना और ना ही कभी कोई इंटीमेट सीन दिया। छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे रे पायलिया। और क्या आप मानेंगे कि इस खूबसूरत अदाकारा की दो बार शादी हुई और दोनों बार ही इनके पतियों की असमय मौत हो गई और ये जिंदगी के सफर में तन्हा रह गईं। तो कौन थी ये अदाकारा, क्यों इन्हें खराब कुंडली का शिकार बताया गया और कैसे एक मुख्यमंत्री के बेटे से शादी और फिर विधवा हो जाने के बाद ये फिल्मों में आईं और छा गईं? बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की एक फेमस और चुलबुली अदाकारा लीना चंदावरकर की। इन्होंने अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन इन्हें पर्सनल लाइफ में हमेशा काफी दुखों का सामना करना पड़ा। मेरे दीवाने पन की दवा नहीं। हम इनकी जिंदगी की उन परिस्थितियों के बारे में बात करें, उससे पहले चलिए जानते हैं इनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में। तो लीना चंदावरकर का जन्म 29 अगस्त 1950 को कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनाथ चंदावरकर था, जो कि भारतीय सेना में कर्नल के पद पर कार्यरत थे। लीना के एक भाई भी थे जिनका नाम अनिल चंदावरकर था। इनकी मां का नाम का जिक्र कहीं नहीं मिलता। संपन्न परिवार से होने की वजह से इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से हुई। इनके बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों से पूछा कि बड़े होकर वो क्या बनना चाहते हैं, इसे अपनी कॉपी पर लिखें। तब इन्होंने लिखा था, मैं बड़ी होकर अभिनेत्री बनना चाहती हूँ। बताते हैं कि तब इनकी टीचर ने इनकी पिटाई कर दी थी, क्योंकि उस दौर में फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। पर फिर भी लीना अपनी इस चाहत को लेकर फोकस्ड रही और मात्र 18 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। बता दें कि लीना ने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापनों से की थी। इसी दौरान उस जमाने के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म मन का मीत में इन्हें साइन कर लिया। लीना ने एक्टिंग का कोई कोर्स तो नहीं किया था, इसलिए अभिनय सिखाने का जिम्मा सुनील दत्त ने अपनी पत्नी नरगिस को सौंपा और नरगिस जी ने इन्हें अच्छी तरह से ग्रूम किया। बताते चले कि इस दौरान इन्हें घर वालों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ये डटी रहीं कि फिल्मों में काम करना ही है। आखिरकार कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के साथ इन्हें फिल्मों में काम करने की इजाजत मिली, जिसे इन्होंने हमेशा निभाया भी।
मसलन लीना ने अपने पिता से किए वादे के मुताबिक फिल्मों में ना ही कभी किसिंग सीन दिया, ना ही कभी बिकिनी पहनी और ना ही कोई इंटीमेट सीन दिया। खैर, लीना की पहली फिल्म आई मन का मीट, जिसमें विनोद खन्ना ने विलन की भूमिका निभाई थी और लीना के अपोजिट हीरो थे सुनील दत्त के भाई सोम दत्त, और ये इन दोनों की ही डेब्यू फिल्म थी। अपनी आँखों के झरोखों में बिठा लो। ये फिल्म हिट हो गई और लीना रातों रात स्टार बन गईं। लाला जी ने मुझे दो गैर आदमियों की फोटो दी है। वकील साहब, कौन जाने वो आदमी कैसे हैं? मैं किसी को देखे समझे बगैर उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? इसके बाद इन्होंने साल 1970 में जितेंद्र के साथ हमजोली फिल्म में काम किया और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। इसमें लीना ने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। गया दिन, हो गई शाम, जाने दो, जाना। इसके बाद साल 1971 में इन्हें महबूब की मेहंदी फिल्म में काम करने का मौका मिला और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। धीरे धीरे लीना सफलता की ऊंचाइयां चढ़ती गईं और नाम पैसा शोहरत मिलती चली गई। ये जो चिलमन है, दुश्मन है हमारा। इसी साल इन्होंने एक और फिल्म में काम किया जिसका नाम रखवाला था। इस फिल्म में दर्शकों ने इनके बेहतरीन अभिनय को काफी पसंद किया। इसके बाद इनकी कई और फिल्में आईं जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं, जिनमें खास रहीं अनहोनी, मनचली, विदाई, कैद, डाकू और जवान आदि। गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। इनमें से कुछ फिल्में शादी के पहले की रहीं तो कुछ फिल्में इन्होंने शादी के बाद भी की, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। तो इनकी पहली शादी साल 1975 में गोवा के पहले चीफ मिनिस्टर के बेटे सिद्धार्थ वंडोडकर से हुई थी। ये शादी परिवार की मर्जी से हुई थी और लीना भी इस शादी से बहुत खुश थीं। पर इनकी खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाई। दरअसल शादी के 11 दिन बाद इनके पति सिद्धार्थ को दुर्घटनावश अपने ही रिवॉल्वर से गोली लग गई और घर में कोहराम मच गया। ये एक हादसा था और लीना पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सिद्धार्थ बिल्कुल बेसुध हालत में अगले 6 महीने तक अस्पताल में पड़े रहे और लीना उनकी देखभाल करती रही। लेकिन अफसोस, 6 महीने के बाद 1976 में उनकी मौत हो गई और लीना पति की इस असमय मौत से पूरी तरह से टूट गईं। जानकार बताते हैं कि कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण उस वक्त लीना को लोग ताने भी मारने लगे थे। कुछ लोग इनके लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल करने लगे थे तो कुछ अपशकुनी कहने लगे। तुमने जिंदगी दी है मुझे, अब इस जिंदगी में जहर घोल के दोगे तो वो भी पी लूंगी। बताते हैं कि इसके बाद लीना ने सबसे बातचीत बंद कर दी और खुद को जैसे दुनिया से अलग थलग कर लिया। ये ना तो किसी से मिलती जुलती थी और ना ही किसी काम में इंटरेस्ट लेती थी, जैसे इनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। कुछ समय बीत जाने के बाद इनके घर वाले और करीबी दोस्तों ने समझाया कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश करो, खुद को संभालो, अभी तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है। बता दें कि उस समय लीना की उम्र महज 25 साल थी। सारी जिंदगी कैसे गुजारोगी, सोचो जरा ठंडे दिल से सोचो। मैं भी पागल हो गई। घर वालों के हौसला बढ़ाने पर लीना ने आखिरकार उदासी और मायूसी से खुद को बाहर निकालने का फैसला किया और फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशों में जुट गईं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? शादी? हट, अब भी तो मैं ब्रह्मचारी हूँ। प्यार व्यार तो करते होगे? प्यार? छी, मैं कोई जानवर हूँ? तो क्या प्यार जानवर करते हैं? वो तो तुम जानो मेम साहब। लीना ने फिल्मों में वापसी की और एक बार फिर से अपने करियर को सवारने में लग गईं।
इनकी जिंदगी और गमों से सब वाकिफ थे, पर अच्छी बात ये रही कि फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ लोगों ने इनका साथ दिया और इन्हें फिर से फिल्मों में अच्छा काम मिलने लगा। तेरी नीली नीली आँखों के अब बात करते हैं किशोर कुमार की लीना की जिंदगी में एंट्री की। तो लीना चंदावरकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इन्होंने किशोर कुमार को पहली बार एक फिल्म के सेट पर देखा था। तब लीना संजीव कुमार के साथ काम कर रही थी। तब संजीव कुमार ने लीना को सतर्क किया था कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता, खासकर ये किशोर कुमार, तुम तो बस इसे राखी बांध दो वरना ये तुमसे शादी कर लेगा। बकौल लीना, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये सच हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। लीना जब किशोर कुमार से पहली बार मिली तो वो शादी का प्रस्ताव लेकर तैयार थे। लीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो क्या कहना चाहते हैं, पर बाद में उन्होंने साफ किया कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। कुछ वक्त बाद मेरा मेरे पिता से किसी बात पर झगड़ा हुआ और उन्होंने गुस्से में मुझे मुसीबत कह दिया। मैं पिताजी से बेहद नाराज थी और घर छोड़कर किसी से शादी कर लेना चाहती थी। मुझे याद है मैंने किशोर जी को फोन किया और कहा कि क्या वो अभी भी मुझसे शादी के लिए तैयार हैं। उन्होंने हामी भर दी और इस तरह बात आगे बढ़ गई। लीना चंदावरकर ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया था कि जब उन्होंने अपने पिता के सामने किशोर कुमार से शादी करने की इच्छा जाहिर की तो उनके पिता ने साफ इनकार कर दिया। इनकार का कारण था दोनों की उम्र में 20 साल का फासला और किशोर कुमार की पिछली 3 शादियां। किशोर की रूमा घोष और योगिता बाली से शादी टूट चुकी थी और मधुबाला का भी अंत समय किशोर कुमार के साथ अच्छा नहीं रहा था, पर किशोर जी लीना के पिता से आशीर्वाद लेकर ही शादी करना चाहते थे। ऐसे में वो लीना के धारवाड़ स्थित घर पर आए और घर के सामने चटाई बिछाकर बैठ गए और गाना गाने लगे। लीना के मुताबिक किशोर ने कई गाने गाए, उनमें से एक गाना था नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, अरे मैं वो परवान। आखिरकार लीना के पिता घर से बाहर आए, किशोर कुमार को पास बुलाया और शादी के लिए मान गए। इस तरह साल 1980 में लीना चंदावरकर ने किशोर कुमार से शादी कर ली। शादी के बाद लीना ने फिल्म इंडस्ट्री से धीरे धीरे दूरी बना ली। किशोर कुमार और लीना के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम सुमित रखा गया। वहीं किशोर कुमार की पहली पत्नी के बेटे अमित कुमार, जो पिता के साथ रहते थे, वो भी लीना के ही साथ रहने लगे और पूरा परिवार बेहद खुश था। आप ही ने तो कहा था कि जिस इंसान ने कभी प्यार न किया हो वो अकल का कोलू, और जिसने कभी प्यार करके शादी न की हो वो चिलगोजे का छिलका। लेकिन अफसोस, किशोर और लीना का ये साथ केवल 7 साल ही चल सका, क्योंकि साल 1987 में किशोर कुमार का निधन हो गया। इसके बाद लीना और उनके बेटे सुमित और किशोर कुमार की पहली पत्नी के बेटे अमित ने अपनी आगे की जिंदगी साथ बिताई, बिल्कुल एक परिवार की तरह। और आज जब इनके दोनों बेटों की शादी हो चुकी है और भरा पूरा परिवार है, तो भी सब एक साथ ही देखे जाते हैं। अमित और सुमित में हमेशा सगे भाइयों जैसा प्यार देखा गया, जो इनकी माँ लीना चंदावरकर की ही परवरिश का फल रहा। दोनों भाई अपने पिता की तरह सिंगर हैं और कई फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, ये सजनी पे। साथ ही ये दोनों भाई एक रेडियो चैनल पर भी साथ में कार्यक्रम पेश करते हैं जिसे श्रोता काफी पसंद करते हैं। लीना और इनके दोनों बेटों के बीच की बॉन्डिंग कई मौकों पर भी देखी जाती है। ये कई फंक्शंस और टीवी शोज में भी साथ नजर आते रहे हैं। 2019 में इन तीनों को द कपिल शर्मा शो में एक साथ देखा गया था, जहां पर खूब हंसी मजाक का माहौल रहा। इसमें लीना, अमित और सुमित ने खुलकर अपनी बातें रखी थी और किशोर कुमार की यादों को भी साझा किया था। फिल्में लेना चाहते ना, पहले राखी बांधो। तुम मुझे शादी करोगी? तो मैंने कहा नहीं, क्यों शादी करूं, मैं उनकी फैन हूं। फिर उसके बाद में उन्होंने जब कहा मेरा प्रपोजल है,
वहीं इनसे जुड़े कुछ विवादों की बात करें तो साल 2015 में जब लीना ने दी हम लोग अवार्ड्स कार्यक्रम में हिस्सा लिया था तो इस दौरान मंच पर राम जेठमलानी ने हाथ मिलाने के बाद लीना को किस कर लिया था, जिसके बाद ये तस्वीरें जमकर वायरल हुई थी। इस बारे में बात करते हुए लीना ने एक इंटरव्यू में राम जेठमलानी का बचाव करते हुए कहा था कि लोग मेरे लिए खेद महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बस इतना बताना चाहती हूं कि न उम्र की सीमा हो न प्यार का कोई बंधन। यानी कह सकते हैं कि इस तरह से लीना जी ने राम जेठमलानी को शर्मिंदा होने से बचाया था और इसे तूल न देने की गुजारिश की थी। खैर, लीना फिलहाल अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं और एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। लीना अपने बड़े बेटे अमित कुमार के लिए गीत भी लिख रही हैं, जिसे अमित कुमार की आवाज में बहुत जल्द सुना जा सकेगा। इस बारे में खुद अमित ने हाल के एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बेहद खूबसूरती से लिखती हैं और एक शानदार लेखिका हैं। हम उम्मीद करेंगे कि लीना जी जैसी शानदार और मधुर व्यक्तित्व की मल्लिका की जिंदगी यूं ही खुशहाल रहे और ये अपने काम को ऐसे ही एंजॉय करती रहें। हिंदी सिनेमा में इनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। हमारी टीम की तरफ से लीना चंदावरकर जी को ढेरों शुभकामनाएं।